लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में मृत पाए गए हैं। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग से ही मौत की वजह सामने आई है। पुलिस का कहना है कि यह मामला आत्महत्या से जुड़ा हो सकता है। वहीं कुछ रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वह काफी समय से अवसाद से जूझ रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत के शव के पास कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। नई दिल्ली। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में मृत पाए गए हैं। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग से ही मौत की वजह सामने आई है। बताया जा रहा है कि वह काफी समय से अवसाद से जूझ रहे थे। उनके कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट भी कुछ इसी ओर इशारा करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सुशांत के डिप्रेशन से ग्रसित होने की बातें गले नहीं उतर रही हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को हमेशा हंसते मुस्कराते और एनर्जी से भरा पाया गया है। हाल ही में उन्होंने फिल्म छिछोरे में भी शानदार अभिनय किया था। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक में सुशांत सिंह राजपूत का ने लीड रोल निभाया था। इस फिल्म में उन्होंने शानदार एक्टिंग किया था। छह बड़ी बातें, पुलिस सभी एंगल की जांच कर रही है। इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस के प्रवक्ता प्रणय अशोक ने दी है। मिल रही जानकारी के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के शव का पोस्टमार्टम कूपर अस्पताल में होगा। सुशांत के परिवार में उनके पिता और पांच बहनें हैं। वह अपने परिवार में सबसे छोटे थे। मिल रही जानकारी के मुताबिक वे काफी समय से ठीक नहीं थे। उनकी एक बहन हाल में उनसे मिलने गई थी। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी पूर्व मैनेजर रहदिशा सालियन की मौत पर कहा था, यह बेहद ही दिल दहला देने वाली खबर है। दिशा के परिवार और दोस्तों को मेरी गहरी संवेदना। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी मां के नाम पोस्ट में लिखा था, आंसुओं से वाष्पित होता अतीत, मुस्कुराहट के एक आंख को गिरते सपने और एक क्षण भंगुर जीवन, दोनों के बीच बातचीत। दूसरा अहम सवाल ये है कि सुशांत सिंह राजपूत आखिर किस वजह से डिप्रेशन में थे, क्योंकि उनके काम की तारीफ भी हो रही थी और हाल ही में उनकी फिल्म छिछोरे भी सफल हुई थी। कुछ दिन पहले ही उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सलियन की भी मौत हुई थी।